ठीक है जी, साथ साथ मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ जल्दी जल्दी से शीर खुरमा। ठीक है, शीर खुरमे के लिए जो अज्जा हैं वो बहुत आसान हैं। शीर खुरमा बहुत इजीली बन जाता है, चीनी ऑब्वियसली जितने भी मेवे आपने डालने हैं। शीर खुरमे के अंदर जो खुरमे का लफ्ज़ है वो एक्चुअली खजूर जो होती है, ड्राइड खजूर जिसको आप लोग क्या कहते हैं, खजूर, खजूर जो सूखी हुई होती है, छुआरा, छुआरा, छुआरे को खुरमा कहा जाता है। इससे इसका नाम शीर खुरमा पड़ा, तो ऑब्वियसली छुआरे के बगैर ये नहीं बन सकता। इसके अंदर ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे, हम लोग इलायची डालेंगे और उसको एक्स्ट्रा यमी करने के लिए हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। ठीक है जी, अब शीर खुरमे को स्टार्ट करते हैं। मैं बड़ी से हूं कि ये प्याज कितनी जल्दी ब्राउन डालें, ब्राउन करनी है ना प्याज। ओके, आप इसका मसाला बनाएंगे थोड़ी सी, अभी 15 सेकंड में हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसमें अभी कुछ डालना है मजीद, अभी इस दौरान डालना है, थोड़ा वेट करना है, अभी थोड़ा वेट करना, थोड़ा वेट करेंगे। ओके ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे दूध डाल दिए। अच्छा, शीर खुरमे के लिए जो सबसे ज़्यादा बात याद रखने की है वो ये है कि आप पहले दूध को पकाएंगे, जो ये जो इसके अंदर सेवैयाँ होती हैं ये बिल्कुल एंड पे, टुवर्ड्स दी एंड आप डालते हैं। पहले आप उसके अंदर, आप चाहते हैं कि उसमें अच्छे से इलायची का फ्लेवर आ जाए, उसके अंदर ज़ाफ़रान, ये इलायची मैंने डाली है बाय द वे, मैं ज़ाफ़रान के चंद जो स्ट्रैंड्स हैं ये डालूँगी। मेल कीजिए, अच्छी ज़ाफ़रान की कितनी अच्छी खुशबू होती है। अच्छा, दुनिया का सबसे महंगी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, सबसे महंगी स्पाइस जो है वो ज़ाफ़रान है। अच्छा। और कदीम वक्तों में ईरान में ये पाया जाता है बहुत सारा, आज भी मिलता है, आज भी लेकर आते हैं। ईरानी ज़ाफ़रान सबसे ज्यादा महंगा होता है और सबसे मशहूर है, और पुराने वक्तों में अच्छा सबसे महंगा होता है यहाँ आने के बाद, वहाँ पे बड़ा सस्ता है। हाँ, वहाँ पर सस्ता है, मगर ईरान की जो इकोनॉमी थी मतलब आज से कोई 400 साल 700 साल पहले, वो एक्चुअली ज़ाफ़रान के ऊपर बहुत हद तक बेस्ड थी, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। सो खैर, ये हम डाल रहे हैं चीनी हसबे जायका, चीनी डाल रहे हैं हसबे जायका जी। इसके अंदर मैं साथ ही डाल दूंगी ये सारे का सारा क्रीम। ओके ठीक है, साथ साथ इसको, और खुरमे मुझे भी एक स्पैचुला चाहिए। सेकंड, ओके जी, ये कितनी देर में हो गया? अब आप इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ओके, ये टमाटर ये वाले जी, ये जो प्योरे है टमाटर के जी। ओके, आप टमाटर डालेंगे और अब इसको फिर थोड़ा भूने। ओके, थोड़ा सा भूनते हैं, मजीद भूनेंगे, फिर आप इसमें कीमा डालेंगे और स्पाइसेस डालेंगे। ओके ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम, और करेले सबसे एंड में डालते हैं जी। ओके, करेले बिल्कुल एंड पे, क्योंकि हमने करेले तो हाफ डन कर लिए है ना। ओके सही, ठीक अब है। इसके बाद कीमा डाल दें जी। मैं साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट राइट कर लूँ। अच्छा, अगली, जब तक कि यहाँ पर मेरा शीर खुरमा जो है इसका दूध उबल रहा है, उसके साथ साथ मैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ भी जाना चाहती हूँ। ये बेसिकली शुगर कुकीज़ का मैदा है, डो है, सॉरी मैदा नहीं, डो है, जिसके अंदर मैदा, मक्खन, चीनी, अंडा, सिर्फ चार अज्जा से ये बनता है। इसका हमने डो बना लिया टाइम बचाने के लिए। इसके अंदर हम डाल रहे हैं, हमने यहाँ पर होल में चॉप किए हुए हैं चॉकलेट, ये ओरियो कुकीज़, जिनके अंदर बहुत सारा यमी किस्म का चॉकलेट है, और इसको एक्स्ट्रा चॉकलेटी अगर आप करना चाहते हैं तो हमने वाइट और ब्लैक इसमें चॉकलेट चिप्स भी डाल देने हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने बेक करना है, सिर्फ 6 मिनट में ये बेक हो जाता है।